खूबसूरत स्किन और खूबसूरत बाल हर एक की चाहत होती है, और उसे पाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। अपनी डाइट बदलते हैं, अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज को जोड़ते हैं, अपने स्किन केयर रूटीन को चेंज करते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारे जतन हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज आपको जो इसके अंदर एड ऑन करनी है, वो है आपके फेस और आपके बालों की मसाज। जब भी दोस्तों हम मसाज की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इन जो कोशिकाओं से जिनसे हमारा शरीर बना है, उनको अपना काम रूटीन में पूरा करने के लिए, उन्हें अपने काम में सपोर्ट करने के लिए हमें मसाज जरूर करनी चाहिए। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से जब बच्चे डिलीवर होते हैं, तो उन डिलीवर किए गए बच्चों की अच्छे से मालिश की जाती है, और मालिश करने के बाद उन्हें धूप में सुलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के हर एक सेल तक जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से हो, और ये अच्छा होने वाला सर्कुलेशन उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद करता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे एसेंशियल ऑयल के बारे में, एक ऐसे अरोमा ऑयल के बारे में जिसको हमें यूज करना चाहिए अपने स्किन की मसाज के लिए, अपने बालों की मसाज के लिए, अगर हमारा मकसद है खूबसूरत स्किन को और खूबसूरत बालों का मालिक बनना। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरापिस्ट, एक नेचुरल थेरापिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में, और आप सबका प्यार इस चैनल को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मसाज हम कभी ना कभी अपने फेस पर, अपने बालों पर जरूर ट्राई करते हैं, जिसके लिए हम बहुत अलग अलग तरह के क्रीम्स, बहुत अलग अलग तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इन ऑयल से, क्या इन क्रीम से हमारे चेहरे को वो बेनिफिट मिल पा रहा है जिससे हम खूबसूरत स्किन के मालिक या खूबसूरत बालों के मालिक बन सकें? तो डेफिनेटली आंसर होता है नहीं, क्योंकि बहुत सारी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करने की वजह से हमारी स्किन हो जाती है डैमेज। तो यहां पर एक जवाब आता है कि अगर मुझे अपनी स्किन को बेहतर बनाना है, मुझे अगर अपनी बालों को बेहतर बनाना है, तो क्या नेचुरल प्रोसेस है? तो नेचुरल प्रोसेस के तौर पर आपको आंसर मिलता है दोस्तों, वीट जर्म ऑयल। ये एक ऐसा ऑयल है जो अरोमा थेरेपी के अंदर कैरियर ऑयल की तरह यूज होता है। कैरियर ऑयल क्या होते हैं? कैरियर ऑयल होते हैं दोस्तों वो ऑयल्स जिनके अंदर खुद की कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन वो न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं। इसलिए हमें वीट जर्म ऑयल को अपने चेहरे की मालिश के लिए, अपने बालों की मालिश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वीट जर्म ऑयल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और इसके अलावा हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए सेलेनियम का कंपोजिशन होता है। इतनी सारी खूबियों से भरपूर होने के बावजूद भी वीट जर्म ऑयल इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा मार्केट नहीं किया जाता। मार्केट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारे लोग इस ऑयल से अवेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके जो गुण हैं उनसे अपने आप को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं दिला पाते हैं। सो वीट जर्म ऑयल को डेली अगर पॉसिबल है तो 5 से 7 मिनट के लिए अपने चेहरे पर जरूर मालिश करें। अपने बालों में हफ्ते में 2 से 3 बार इसे बालों की जड़ों में लगाएं, जिसकी वजह से आपको एंटी पिगमेंटेशन, एंटी एक्ने, एंटी रिंकल, एंटी फाइन लाइन, ओपन पोर्स, एक्ने सब में बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्ने ऑयल की वजह से बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके ऑयल में सिर्फ ग्रीस है, अगर आपके ऑयल में न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आपके एक्ने बढ़ेंगे। लेकिन वीट जर्म ऑयल के अंदर पूरा आपका कंपोजिशन जो होता है वो होता है आपके पूरे के पूरे विटामिन्स और मिनरल्स को मिला करके। और वीट जर्म ऑयल ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बनाया है। वीट जर्म ऑयल आपके गेहूं को अंकुरित करके फिर उससे तेल निकाला जाता है, और जो तेल निकालने की विधि होती है वो होती है कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस मतलब एक ऐसी विधि जिसमें हीट नहीं क्रिएट की जाती लेकिन तेल निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से इसके गुणों के ऊपर उस हीट का कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। एक और बात, वीट जर्म ऑयल को जब भी आप मसाज करते हो, अगर आप कोई भी अरोमा ऑयल यूज कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, तो 1 चम्मच वीट जर्म ऑयल में 2-3 ड्रॉप्स उस ऑयल के मिलाकर के फिर मसाज कीजिए, तो उसकी वजह से आपको फायदा होगा आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम चल रही है उसे बेहतर करने में, और जो मसाज की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वीट जर्म की वजह से जो आपकी स्किन में बेनिफिट्स होंगे वो तो होने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपने अरोमा ऑयल्स को और एड ऑन कर लिया तो डेफिनेटली और ज्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा।
इसके अलावा एक और बात अगर मैं बोलूं तो बालों के लिए भी आप जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या डैंड्रफ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वीटजम ऑयल के साथ में बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके लिए एसेंशियल ऑयल्स को सेलेक्ट करके मसाज कीजिए, जिसकी वजह से आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। सो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने बात की एक ऐसे ऑयल के बारे में जो कहीं ना कहीं पर हम मिस कर देते हैं। वीटजम ऑयल के बहुत सारे और भी गुण हैं, पीने में भी ये काम में आता है, हमारी बॉडी में भी लगाने में काम में आता है। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तब तक इस आशा के साथ कि आपका प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा, आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज में डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।